को पावन अपनी हाथ उठे कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने न क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो वसुदेव सुतम देवम कंसानूर्मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगत गुरु कृष्ण वंदे श्री कृष्णा चरणौ मम श्री कृष्णा चरणौ मम श्री कृष्णा शरणौ हरे हरे परमात्मने प्रेण क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो नमः वसुदेव सुतम देवम कंसानूर्मर्दनम की परमानंदम कृष्ण वंदे जगत गुरु कृष्ण वंदे जगत श्री कृष्णा शरणम मम श्री कृष्णा शरणम मम श्री कृष्णा शरणम। आओ भाग्यशाली कल्याण कामनी देवियों बड़भागी गीता के पैरोकार मेरे सज्जन कीजिए अपने मन को एकाग्र। चल रहे इस विषय में अपना मन जोड़कर लाभ उठाएं। भगवान की प्रेरणा का लाभ उठाते हुए अब हम बहुत ही कल्याणकारी विषय में प्रवेश कर चुके हैं, दैनिक जीवन में गीता। हमारे दिन प्रतिदिन में काम आने वाली गीता, धन वही अच्छा होता है जो हमारे दैनिक जीवन में काम आए, रिश्ता वही अच्छा होता है जो हमारे दुख सुख में काम आए। इसी प्रकार मेरे सजनों मेरी देवियों, वाणी वही उच्च कोटि की मानी जाती है जो हमारे पग पग पे स्नेहमयी मां की तरह सहायता करे। यही हम ले पा रहे हैं भगवत गीता से। भगवत गीता और बुद्धि का ताल्लुक, बुद्धि का वास्ता आप भली प्रकार जान चुके हैं। बुद्धि का जो भगवान ने फंक्शन बनाया है वो है निर्णय करना, टू डिटरमिन टू डिसाइड, ये केवल बुद्धि कर सकती है। और हमारे डिसीजन पर, हमारे निर्णय पर ही हमारी सारी जिंदगी आश्रित है, कभी ना भूलना। हमारा जीवन कैसे कटेगा जैसा हमारा डिसीजन है, जैसे हमने निर्णय लिया है। मेरी देवियों, हमारा आज का दिन कैसे कट गया जैसा आपने डिसीजन लिया था। फुर्सत की घड़ियों में बैठकर इन तथ्यों पर जरूर विचार करना चाहिए ताकि आपका जीवन सफल हो जाए। मूर्खों की तरह जीवन काटने में नुकसान ही नुकसान है। मूर्ख कौन होती है? जो अंधाधुंध दूसरों की नकल करती है। अंधाधुंध इसलिए लगाया जा रहा है कि वो सोचते ही नहीं कि जिसकी मैं नकल कर रहा हूं क्या वो शांत है, इतना भी नहीं सोचते। जिसकी मैं कॉपी कर रही हूं, इमिटेशन कर रही हूं, क्या वो जीवन में शांति से दिन गुजार रही है? बिल्कुल, यहीं से तो अकल शुरू हो जाती है। आजादाना तौर पर विचार करना, बहुत थोड़े जीव होंगे आपकी तरह जो आजादी से सोचेंगे। वरना हर काम में इस जमाने में देख रहे हो नकल नकल नकल। ये नहीं कि कुछ अकल से भी काम ले, नकल के लिए भी अकल चाहिए। क्या जिसकी मैं नकल कर रही हूं वो शांत है, वो आनंदित है कि नहीं? और हम सोचें, समय तो बहुत काला आने आ चुका है और भी बहुत काला आएगा। क्या मतलब? बुद्धि पे अवर्ण हो जाएंगे, जीव केवल शरीर और मन पे रहेगा। मन में भाविकता होती है, इमोशंस होते हैं, और शरीर क्या करेगा? शरीर तो कर्म करेगा। तो दैनिक जीवन में गीता हमारी मदद करती है, बड़ी मदद करती है। इस रूप में, बुद्धि रूप में बड़ी मदद करती है।
चाहिए, हमारी मांग क्या है। जो इस धरती पर मनुष्य शरीर धारण करके आया, एकाग्र हो जाना मेरी देवियों, ये विषय बड़ी एकाग्रता सुना जाना चाहिए। अब हम देहधारी है, पर मनुष्य योनि में देहधारी, मतलब 84 लाख योनियां सब देहधारी है, हर एक ने शरीर धारण कर रखा है, लेकिन इसको मेरे सजनों मेरे देवियों बोलती है मनुष्य देहधारी, मनुष्य जामा में आया, मनुष्य शरीर में आया हुआ। योनियां तो बाकी भी अनेक है, ये मेरी और आपकी मनुष्य योनि है। ठीक, ये क्या चाहता है, कितनी संक्षिप्त रूप से हमारे महापुरुष कह गए, वेरी इनकंसाइज फॉर्म। जो दिन क्या चाहता है, इसकी मांग क्या, एक हम सब की मांग यही है, क्या कोई सतोगुनी रजोगुनी तमोगुनी है, हम सब की मांग है, जो हम 4 दिन जिंदगी के भगवान से लाए आराम से काट ले, बस चैन से काट ले, सुख पूर्वक काट ले, और हमारी कोई मांग नहीं। अगर आप कुछ मांग कहोगे तो वो भी सुख के अंदर होगी, सुख से बाहर नहीं हो सकती बेटी। मैं बहुत पढ़ने चाहती हूं, क्यों, सुख के लिए। आप कुछ भी कहिए, मैं बहुत कमाना चाहता हूं, क्यों, सुख के लिए। मैं जहां चाहती हूं बाबा मेरी शादी हो जाए, किसके लिए, सुख के लिए। कुछ भी बोलो आप, मैं विदेश में कुछ सालों के, क्यों, सुख के लिए। आप कुछ निकालो सही, मैं स्वर्ग में जाना चाहता हूं, क्यों, सुख के लिए। कोई तो बोले दुख के लिए, नहीं, हमारी सबकी मांग यही है सुख के लिए। जो कुछ भी आप कर चुके हैं, कर रही हैं, या भविष्य में आप करना चाहते हैं, केवल सुख के लिए। इसी से तो हमारे महापुरुषों ने साबित किया है, इंसान सुख के घर भगवान से आया है, हम भगवान के अभिन्न अंश है। सुनिए जरा गौर से, वी आर ऑल पार्ट एंड पार्सल ऑफ ऑलमाइटी। अंग्रेजी की बड़ा अच्छा फ्रेज है, पार्ट एंड पार्सल, किसके, भगवान के। हाय, जैसे आप अपने मां बाप के पार्ट एंड पार्सल है, वी आर ऑल पार्ट एंड पार्सल, क्यों, वो आनंद के घर है, हमें भी आनंद चाहिए। अब जैसे आपकी मां का स्वभाव है, सारी जिंदगी कुछ रहेगा तेरे अंदर, नहीं सास का स्वभाव तेरे में आ सकता, क्यों, मां का खून है तेरे अंदर, और खून में क्या है, जीवाणु है, है। खून तो क्यों मिलाया जाता अस्पतालों में, क्योंकि खून 3 प्रकार का, मोटे तौर पर मैं कह रहा हूं, अब उनका एनालिसिस करके और प्रकार के बना ले उनकी मर्जी, सत्वगुणी खून, रजोगुणी खून, तमोगुणी। मोटे तौर पर खून 3 प्रकार का होता है, एक ऐसे जीवाणु है जो बहुत शांत है, हाय कितना साबित हो रहा, एक ऐसे खून में जीवाणु है जो चलाक उछार है, जल्दी जल्दी अंदर चल रही है, एक ऐसी है भैंस के कट्टे की तरह, बिल्कुल डलल्ड जीवाणु सेल्स, ब्लड सेल्स। तो आप में वही खून डाला जाएगा जैसा आपका अपना है। हां, अपने पर्स में जरूर रखना चाहिए मेरे खून का कौन सा गुण है, जरूर, आजकल दुर्घटना बात बात में हो रही है, ताकि देर ना लगे आपकी मदद करने में। तो इसलिए मां बाप का अंश आप छोड़ ही नहीं सकते। अच्छा, मन को लो, मन, भगवान कहते हैं 10वें अध्याय के अंदर, मन मैं हूं, इंद्रियों में मन मैं हूं, क्योंकि मन भगवान का अंश है, मन कभी भी शांति ना चाहता अगर यह भगवान का अंश ना होता तो। इसलिए ये कोई वाद विवाद की बात नहीं, दिस इज नॉट कंट्रोवर्सियल टॉपिक, हम सब शांति चाहते हैं, चाहे कोई आस्तक है या नास्तक, चाहे कोई भक्ति मार्गी है, ज्ञान मार्गी है, या कर्म योग मार्गी है, सबको शांति चाहिए। मोटी बात आज तो मैं आपको खड़ी खड़ी बड़ी मोटी बात सुना रहा हूं महापुरुषों की, हमें शांति चाहिए, बिल्कुल ठीक, हम सब एग्री करेंगे, इस पर कोई जरा नहीं हो सकती, क्रॉस एग्जामिनेशन हो ही नहीं सकता। हम जिंदगी के 4 दिन आराम से काटना चाहती है, जो बीत गया मारो काट, बाकी जो रह गए हैं आराम से काटना चाहते हैं, खुशी से काटना चाहते हैं, विदाउट पेन, विदाउट मिजरी, विदाउट केयर, विदाउट एंग्जाइटी, गुड। अब फिर सवाल खड़ा हो गया, कैसे खुशी से काटे, खुशी से काटे तो कैसे काटे, कैसे जिंदगी के दिन बिताए जो खुशी से कट जाए, इसका एक ही जवाब हमारे महर्षि वेद व्यास जी ने और बाकी सब ऋषियों ने दिया,
जिसने सृष्टि बनाई और जिसने ये मानव शरीर बनाया उनके उपदेश के अनुसार। कितनी मोटी बात। बोल, आराम से रहना चाहती हूं। जिस परिवार में तू है उसके बड़े का कहना मान के रहो। अब लो इसको लार्ज स्केल पर, जिस सृष्टि में हम आए हैं उस सृष्टि बनाने वाले के अनुसार रहे। जिस दफ्तर में आप काम करती हैं उससे इमीडिएट बॉस के अनुसार काम करो। अगर आप यहां मंदिर में आए हैं भगवान की वाणी सुनने, हाँ तो जो यहां के नियम छोटे मोटे बनाए गए आपके सुख के लिए उसके अनुसार बैठो, पानी पियो, साइकिल रखो, स्कूटर रखो, नियम के अनुसार जो नियम आपने अपने आराम के लिए बनाए। अगर आप जैसे नहीं शादी हुई थी कुछ दिन हो गए ना, मैं तो अपनी पत्नी के साथ इधर बैठूंगा, अमेरिका नहीं भाई, इंग्लैंड नहीं है, विदेश नहीं है, हमारा भारत है, ऐसे हम गवारा भी नहीं करते। तो अब क्या मैं यहां नहीं बैठ सकता इधर? तो हम सुनते ही नहीं आपकी कथा, हम जा रहे हैं। वेरी गुड, बहुत अच्छे, नियम अपनाने को तैयार भी। तो जहां भी हम जाएंगे कुछ नियम होंगे, उन नियमों को ओबे करना होता है। तो भगवान के भी कुछ नियम है, कुछ उन कुछ नियमों को लेकर ही धर्म कहा जाता है। हाय बेटी, उन नियमों को ही धर्म कहती है। शाबाश, इसी को हमारे गुरुदेव जी ने जाकर विदेश में कहा, आप धर्म नहीं कहते ना कहो, रूल्स एंड रेगुलेशंस। हा, रूल्स एंड रेगुलेशंस इज इक्वल टू धर्म। मर गई नी मां, सारों की माए मर गई जब उन्हें यह सुना कि रूल्स एंड रेगुलेशन इज इक्वल टू रिलीजन। यस, कहने वालों के ढंग इतने अच्छे हैं मेरी देवियों, मेरे सज्जनों, बहुत ही सुंदर। धर्म में होता क्या है? नियम। किसके लिए नियम? जो हम लेके आए भगवान से, बुद्धि मन और तन। बुद्धि के लिए कुछ नियम है, कुछ ये नाभि से 10 उंगल ऊपर, मन के लिए नियम है, कुछ इन अंगों के लिए नियम है। बस इन नियमों में अगर हम एक घंटा यहां गुजार दें, आराम से कट जाएगा, बड़े आराम से। जरा सा बच्चा आपका खप मचाता है, वो आपका सेवादार फौरन बच्चे गोदी में ले लेगा। ये आराम से सुने, बच्चे को मैं गोदी में खिलाता रहूंगा, शाबाश। जरा सा ये दरवाजा क्यों बंद कर दिया गया? आपको जरा डिस्टर्बेंस ना हो। जो भी देर से आने वाले पीछे आए, पीछे चुप करके बैठ जाए, किसी को पता ही नहीं लगे। ये सब कुछ नियम के लिए किया गया। कारे कारे में नजर आ रही मुझे, बसों बसों में नजर आ रही, स्कूटर स्कूटर में, साइकिल, ये गुजरने का रास्ता बना रहे। आप गुजरते भी जाए, साइकिल रखते भी जाए, सब कुछ ठीक होता रहे। एक घंटा हमने गुजारना है यहां पर। जरा देखिए आपके आंखों के सामने, सवेरे से मेरी देवियां यहां पर सफाई के लिए लगी हुई थी। उधर कोई झाड़ू लगा रहा है, कोई पोछे लगा रहा है, कोई महाराज जी को साफ कर रहा है। मेरे कम से कम 3 घंटे लगते होंगे या 4 घंटे इस जगह को सफा करने के लिए। आसपास इर्द गिर्द इन्हीं बच्चों ने शौच कर रखा है, कहीं गधा से शौच कर गया, कहीं घोड़े गुजर के शौच कर गए, सब सफा कर ये कर। आपके व्यक्ति का है ना नियम, एक घंटे के लिए, सिर्फ एक घंटा। हम देख के आराम होते कि दातिया तूने क्या कर रखा है, एक घंटे के लिए कितनी बड़ी सेवा। कितने ड्राइवर, कितनी मुरम्मतें गाड़ियों की एक घंटे के लिए, कितने आपके सेवादार, आप गिन नहीं सकते कितने सेवादार हैं और बढ़ते जा रहे हैं। एक घंटे के लिए जरा ध्यान लगाना, एक घंटे के लिए इतना प्रोग्राम, इतना लंगर, एक घंटे के लिए इतनी सड़कें सफा मरम्मतें करवाना, एक घंटे के लिए इतने शौचालय सफा करवाना, डलवाओ उसके अंदर फिनाइल फिनूल, धुलाई सफाई, नलका खराब है, फ्लॉर का खराब है, फ्लॉर शौचालय खराब, एक घंटे के लिए, शाबाश शाबाश शाबाश, एक घंटे के लिए। तो जहां सारी जिंदगी काटती है, नियम होनी चाहिए ना। हाँ, आप मुंह में उंगलियां डालें कि एक घंटे के लिए कितना बड़ा प्रोग्राम, कितना बड़ा काम। जरा सा बार का नलका खराब हुआ, खप मच गई, सिर्फ एक घंटा बैठता है नलका खराब है, पानी कहां से पियेंगे, अंदर कौन बार बार जाएगा, फौरन ठीक करवाओ जी। 3 चक्र इन्होंने काटे नलके वाले को बुलाने के लिए। सिर्फ एक घंटा आपने बैठना मां दी धियो, हे मेरे सज्जनों, सिर्फ एक घंटा, कितने अच्छे भाग हैं।
कितनी भगदौड़ है सिर्फ एक घंटे आपको या आराम से बिठाने के लिए। तो जिन्होंने लंबा समय काटना है तो फिर हमारे घोर तपस्वियों ने हमें तरीके बताए जिनको हम व्यास जी कहते हैं। इन्होंने तरीके कहां से लिए जिनको हम भगवान कहते हैं। अब हमारी तो इतनी पहुंच भगवान तक हो नहीं सकती। भगवान की पहुंच उसकी होती है जो अंतःकरण का निर्मल हो, शरीर से परे हट जाए, फिर विचारों से परे हट जाए, एक इरादा रखने वाला हो, उस इरादे के परे और हट जाए, भगवान के दांत में तली हो गया। इतना आपसे हो नहीं सकेगा, इतना आपसे माननी पड़ेगा, क्योंकि आपकी जिम्मेवारियां बड़ी ज्यादा है, मन निर्मल नहीं है। तू भी कमाए, घर वाला भी कमाए, तो घर में क्या रखी है, नौकरानी रखी है, 500 रुपया देती है और कपड़े भी देती है, वो क्या करती है, जो तूने करना था हाँ अब वो करती है, सारे घर का काम वो कर रही है, वो मिडवाइफ है, मिडवाइफ वाह, सारे काम वो बिचारी कर रही है, क्योंकि दोनों कमाती है। अब उसकी जगह कोई करेगा ना, या तो हमने तप करना था या फिर हमारे ऋषिवर तप कर गए। अब जो आपने करके रोटी पकाई थी कभी, उस वर्ग के लिए आप कर गई, जो हमने तप कर करे था वो ऋषि कर गए और अपने तप का फल हमें दे गए। अच्छा, अब वो हमें बता गए कि सारी जिंदगी आराम से कैसे कटे, नियम में रह करके। नियम बने इसलिए है कि जिंदगी भर, जैसे मैंने निशान दिया एक घंटा आपके आने के लिए, कितना बड़ा प्रोग्राम, मैं इतना बता नहीं सकता कितना बड़ा प्रोग्राम हो रहा आपका। और हम कभी देख के हैरान रहते हैं, उंगलियां डालते हैं भगवान को, हाथ जोड़ते हैं, और जहां सारी जिंदगी काटती है भगवान ने कुछ नियम बनाए आपके लिए, उन नियमों को मिला करके हम बोलती हैं वैदिक धर्म। कोई कहता है ईसाई धर्म, कोई कहता है मुस्लिम धर्म है, जैन धर्म, बुद्ध धर्म, सिख धर्म, सिर्फ जिंदगी के 4 दिन आराम से बिताने के लिए। लेकिन जहां तक मैंने खोज की, वैदिक धर्म सबसे अच्छा उत्तम है। मैं बिना पक्षपात के कह रहा हूं, कोई किसी प्रकार का मेरे मन में पक्षपात या वो पार्शियलिटी नहीं है, बहुत ही अच्छा है, दलीलों के साथ है। वैदिक धर्म और जिसमें गीता जी प्रधान है, दलील के साथ। जिस तरह इन्होंने भाग किया है, ये किसी को सूझा ही नहीं, क्योंकि भगवान ने 3 अंग दिए, इन तीनों के अंग के अलग अलग नियम है, बता दो जनता को, अपनाए लो, सुख से ले लो। ही एक भाग ही किसी ने किए, आप जितने मर्जी शास्त्र पढ़ लो, अगर 3 भाग का रखे, बुद्धि मन और तन, नहीं, जनरल उपदेश देती है, जनरल बेचे, बुद्धि पे लागू हो या मन पे लागू हो या तन पे लागू हो, जनरल उपदेश दे दिया, शाबाश। जैसे डॉक्टर दवाई दे देती है, वो खून में चले गई दवाई, वो खून में घुल जाती है, अपने आप धीरे करके जन्म मरेंगे, इससे जितना उपदेश देतेगा अपने आप बुद्धि में जाएगा या मन में जाएगा या कर्मों में आएगा। इट इज अ कॉमन उपदेश टू बुद्धि मन एंड तन। यहां नहीं, गीता में तो अलग अलग डिपार्टमेंट बना दी गए। जैसे मैं कह, हम कह रहे थे भगवान में, अब दैनिक जीवन में गीता निर्णय एक होना चाहिए। अच्छा, निर्णय एक, बाकी जो हमारी जिम्मेवारियां हैं, हमने पढ़ना है, ये निर्णय नहीं, ये मेरा कर्तव्य, मैंने कर देना। अब मैंने कमाना है, ये निर्णय नहीं, ये मेरा कर्तव्य है। देखिए जरा, तेरा फर्ज क्या है, रख उस पर नजर, न जी डगमगा उसकी तकमील कर। ये हमारे समय समय अनुसार ड्यूटीज है। जैसे कोई समय है, अब मैंने नहाना धोना है, हाँ, अब मैंने नाश्ता लेना है, हाँ, अब मैंने कमाने दफ्तर में जाना है या मैं पढ़ाती हूं, हाँ, ये समय समय, एक दिन के हमने कितने भाग कर लिए। अब मैंने पढ़ा लिया, वापस आना है, देख लीजिए, अब मैंने अपने दोपहर का भोजन लेना है, अब थोड़ा सा विश्राम कर लो, मेरा शरीर थक गया है। ये जैसे हमने दिन को डिवाइड इनटू सो मेनी पार्ट्स, हाँ, ये हमारी ड्यूटीज है। इस तरह ये पढ़ना है, मैंने ये करना है, ये निर्णय नहीं है, ये हमारे फराइज है, कर्तव्य है। लेकिन हमारा उद्देश्य तो एक रहेगा, हा, उद्देश्य और फर्ज को अलग करो। हमारा मिशन ऑफ लाइफ, हमारा जीवन का मंजिल मकसूद एक,
हमारे आगे मैं उर्दू बोल रहा हूं, फराइज अनेक लेकिन हमारे मंजिल मकसूद एक, हमारे जीवन का उद्देश्य एक, उद्देश्य एक, दिन भर के कर्तव्य अनेक। कर्तव्य को उद्देश्य के साथ मत मिलाइए, खोलो अपनी बुद्धि, या नहीं खुलेगी बुद्धि तो भगवान की कसम कहीं नहीं खुलेगी। फराइज अनेक लेकिन जीवन का उद्देश्य, एम ऑफ लाइफ ओनली वन, टारगेट ऑफ लाइफ वन। कितना अंतर है टारगेट ऑफ लाइफ में और ड्यूटीज में। हाँ, वो भगवान कहती है, जैसे आप भगवान ने यह भी नहीं कहा तू ये ना कर, जो तू समझता है कर। भगवान ने ये सारी गीता में नहीं कहा शादी करके ना कर, तू जो समझता है। हाय, आप पे छोड़ दिया कि जैसे तू समझता कर। हाँ, करे जिस कदर उस पे, और मुझे भगवान के चरणों में की कसम कोई नहीं इतनी छूट देता। करे जिस कदर उस पे ला, जो तू आप समझते हैं, व्हाटएवर यू लाइक यू प्लीज एग्जीक्यूट दीज ऑल। भगवान इसके बारे में कुछ नहीं कहते, भगवान एक उद्देश्य बताते हैं। है शाबाश, अगर तो नहीं शादी करना चाहती भगवान इसको ठीक है ना कर, अगर करना चाहती तो कर, वाह 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 वाह। कमाना चाहती हो कमाओ, नहीं कमाना चाहती ना कमाओ, भगवान की ओर से कोई आज्ञा नहीं। भगवान तुम कहते उद्देश्य ठीक कर लो, अपना उद्देश्य एक बना लो। अच्छा, अपना उद्देश्य एक बनाया। हां, इससे मैं कल कह रहा था हमारे आंतरिक सारे स्वार्थ पूरे हो जाते हैं, हमारे जो मन के स्वार्थ है सारे पूरे हो जाएंगे। अगर हमने एक उद्देश्य भक्ति का बना लिया, हमेशा रहने वाली शांति ले लो भक्ति से, नाना प्रकार के दुखों की जड़ें कट गई भक्ति से काट दो, हमारा मन हमेशा बैलेंस बनाए रखे भक्ति से ले लो। हाय, आवागमन के चक्कर से छूट जाए भक्ति से ले लो। वाह, ये गंदी वृत्तियां जो तंग करती है काम करो मोह लो, लो भक्ति आने नहीं देगी नजदीक। अच्छा जी हां, जब हमारा एक उद्देश्य हो जाता है हां, तो संसार में रहते हुए संसार में ना रहने के बराबर एक उद्देश्य पक्का कर लिया। हां, फिर भगवान ये कहते हैं उद्देश्य बना लिया, लेकिन ये देख भगवान मन में कहते इरादे का मजबूत, तेरा उद्देश्य पक्का हो फिर डावन डोल ना होने पाए तो गंदी वृत्ति खत्म। क्योंकि हमने इरादा एक कर लिया, उद्देश्य एक बना लिया, काम क्रोध नहीं आएंगे। ये तो उसके पास आते हैं जिन्होंने संसार का कुछ बना रखा हो, जिधर मांस बकरे लटके हुए मांस बिकता है आप उधर जाते ही नहीं, तो वो आने का सवाल ही कोई नहीं आता। आपने रास्ता ही कोई और बना रखा है, कई कसाईयों का रहा, मैं नहीं जाती इस रास्ते से, मैं नहीं, मेरा मन कच्चा होता है, मुझे गिलानी आती, मैं नहीं जाता। हाँ, आपने संसार का उद्देश्य बनाया ही नहीं, कंचन कामनी कीर्ति। हाँ, ये उद्देश्य ही नहीं आपका तो इनकी बोई नहीं आएगी, ये गंदी वृत्तियां आपको स्पर्श ही नहीं करेंगी। ये तो भाई तब स्पर्श करती है जब भक्ति का उद्देश्य ना हो, भक्ति के उद्देश्य के बाद विवेक पक्का, वैराग पक्का, हाँ, एकाग्रता पक्की, हाँ, और मन में अंतर्मुखी हो जाना पक्का, ये गुण है। अगर हम वाया करनाल दिल्ली जाए तो जो इससे स्टेशन आते वो आएंगे, वाया सहारनपुर दिल्ली पर वो जो रास्ते में स्टेशन है वो आएंगे। वाह, ये दृष्टांत बहुत अच्छा विवेकानंद ने दिया। अगर वाया करनाल दिल्ली जा रही है तो जो इसके स्टेशन है वही तो आएंगे ना, ये पानीपत आ गया, ये सोनीपत आ गया, और भी कोई स्टेशन है तो। हाँ, और अगर वाया सहारनपुर दिल्ली जाए तो जो उसके स्टेशन आएंगे। हाँ, इस तरह अगर भक्ति मार्ग को का निर्णय करते हैं तो इसके स्टेशन क्या है, पहले विवेक, फिर वैराग, फिर अंतर्मुखता, फिर प्रेम, फिर निर्मलता, फिर एकाग्रता, ओह इसके ये स्टेशन है। अगर संसार की ओर जाए तो पहले काम, फिर क्रोध, फिर मोह, फिर लोभ, फिर अहंकार, फिर निंदा, फिर द्वेष, लड़ाइयां, झगड़े, कत्ल, फिर ये स्टेशन आएंगे। अहिंसा, हिंसा उसके स्टेशन यही है, आप इसको जरा पकड़ रखना। बड़ा अंतर, बड़ा भारी उद्देश्य में अंतर हो गया। पहुंचे तो आप दिल्ली, लेकिन ये किस तरीके से पहुंचे, कितने जन्म लग गए, और जो जिन्हें भक्ति का उद्देश्य बना लिया कितने ठंडे रहे, कितने आराम रहेंगे। आप लीजिए, अब महाराज जी कहती है जरा ध्यान से,
अगर आपने ये पक्का उद्देश्य बना लिया हाँ तो आपकी बुद्धि तत्व में रहेगी। ध्यान देना जरा, आपकी बुद्धि तत्व में रहेगी, तत्व में, असलियत में, हकीकत में, रियलिटी में रहेगी। संसार में तीन दृष्टियां हैं या तीन बुद्धियां हैं, हाँ मेरे रब्बा, तीन बुद्धियां सतोगुणी, तम रजोगुणी और तम। सतोगुणी बुद्धि तो असलियत की पहचान करती है कि ये सारा क्या है, ये मेरे सब परमात्मा का ही पसारा है। एकाग्र हो जा रहा है मेरी देवियों, दैनिक जीवन में गीता यह विषय चल रहा है। जिन्हें अपने जीवन का उद्देश्य एक ही बनाया भक्ति, उनको तत्व दृष्टि मिल जाती है। ये एक ही भगवान अनेक हो गए हैं, बाकी अनेक जो नजर आ रहे हैं ये थोड़ी देर के लिए है, इसलिए इन अनेकों को देखता हुआ भी वो नहीं देखेगा, उसका मन लगेगा ही नहीं। मेरी भगवती उसका मन नहीं लगेगा है ना। जैसे आपके पतिदेव आपके घर में आते हैं, ससुराल में आए, आपके पियर में आए, हाँ उनका मन नहीं लगता है। अब सास आपकी माँ कितनी मिनट कर रही है, बेटा एक दिन माँ मां मुझे जाने दे, पीछे कारोबार में छोड़ के आया हूँ। तो बेटे कभी कभी आता है, ठीक है माँ, इसलिए मैंने इसको मुनि को पहले आपके पास भेज दिया, दो महीने लगा गई कारोबार, पिताजी आप जानते बुजुर्ग है, ठीक है जो तुम कह रहे हो, अब मुझे माँ सवेरे जाने दे, नहीं टिकता। मुनि दो महीने लगा गई, लेकिन मुन्नी का घर वाला दो घंटे भी रहने को तैयार नहीं। दृष्टि का फर्क है ना, जो मुन्नी की दृष्टि है अपने पीहर के अंदर, वो जवाई की दृष्टि नहीं हो सकती। आह आह आह, अगर आप कुछ दे भी रहे पुत्र ये ले जाना, मां आपने धी को देना जो मर्जी दे दो, आपने अपनी बेटी को देना जो मर्जी दे दो, दे ना दे मेरी कोई दृष्टि नहीं। काका कितना अंतर है, तत्व दृष्टि जो केवल तत्व को देखती है कि असलियत क्या है। कल युग में उंगलियों पर ऐसे जीव गिने जाएंगे जिनकी दृष्टि हकीकत यही है, हकीकत है सदाकत यही है, जिनकी दृष्टि तत्व पर है, रियलिटी पर है। अरे सुनो हो मेरे सजनो हो मेरी देवियों, आने का लाभ उठा लो। मेरे मन में यही लोभ है कि जो समय आपने भगवान के लिए दिया है वो आपका पूरा होगा, ये गीता आपका वो उद्देश्य पूरा करे। जिन्होंने यही बना ली कि मैंने एक ही उद्देश्य बना रहे हैं, तो वो यथार्थ दृष्टि रखेंगे कि इसकी यथार्थता क्या है भगवान जी। और ये जो उठेंगे ये रजोगुणी दृष्टि है, रजोगुणी दृष्टि इन चीजों को जैसी नजर आती है ना इसी तरह देखती है। ये बुद्धि होगी रजोगुणी बुद्धि, जैसे बड़ी अच्छी है, बड़ी सुंदर है, अब उनकी दृष्टि सिर्फ रूप तक, रंग तक, रूप और रंग तक, हाँ इसका प्रभाव कैसे पड़ता है मन के ऊपर, ये सुख दृष्टि बना लेंगे, रूप दृष्टि योगी रूप दृष्टि, हाँ। लेकिन जिन्होंने भक्ति की दृष्टि बनाई है वो क्या कहेंगे, ये चीजें तो जाने वाली हैं, ये तो दुखदाई हैं, ये कौन समझा रहा है, विवेक की नहीं बुद्धि, जो विवेक पैदा हो गया भक्ति से ना, बच्चा आग की ओर जा रहा है, भागे आप, बच्चा नहीं जाना, क्यों बच्चे सड़ जाएगी, ये आपको पता है कि बच्चे ने हाथ लगाया, वो तो कोई बड़ी बढ़िया लाल लाल चीज समझ रहा है, इतनी आग जल रही है बड़ी सुंदर, जाने देना, बच्चा रो पड़ा, पुत्र नहीं सड़ जाएगा, सड़ जाऊंगा फिर रोएगा, इतने बड़े बड़े फफोले हो जाएंगे, ये आपको पता है बच्चे को नहीं। सतगुणी के पता है कि इन चीजों को अगर मैं ले लूंगा तो राग और द्वेष में सड़ मरूंगा, ये आपको पता है, यही तो मेरे मन में हो ठंडे सांस निकलते हैं। परमात्मा इन सारे जीवों को मां के पेट में बता देता, आग में हाथ नहीं डालना, आग है मेरी बच्ची, हाँ। 99% नर नारी को इसका पता ही कोनी चाहिए, इतने एजुकेटेड है, इतने लर्न्ड और स्कॉलर है, पैर ही नहीं रखते धरती पर, इतना अहम पना है, ये नहीं पता इसका परिणाम क्या होगा, वो इन चीजों को ऐसे ही ले रहे गए, इतनी बुरी तरह इसके ऊपर भंवरे की तरह लट्टू होते, और परिणाम इसी से प्रगट हो आखिर में दुख। ये वो देखेगा जो उसकी तत्व की ओर देख रहा है, ये थोड़ी देर के लिए चमक दमक है, उसके बाद इन्होंने रंग बदलना है, जो मेरे लिए सहना गवारा ना होगा, ये आप सतोगुणी जानेगा, रजोगुणी तमोगुणी नहीं,
वो तो एज दीज आर एज अपियर्स, इसको ऐसे ले लेता हूं एज अपियर, पर एज अपियर ये ऐसा रहते ही नहीं, इनमें परिवर्तन आया क्या आया? थोड़ी देर का, अभी आज दिन ने कितने पैंतरे बदले हैं, सवेरे से लेकर अब तक कितने रंग, अभी मैं आया था धूप धूप और ये इधर जा उधर भाग रहे थे आप, अभी देखिए क्या पैंतरा बदल गया, थोड़ी देर बाद रात को देखना क्या पैंतरा बदलता है। अच्छा एक दिन के कितने रंग, पर हम लोग क्या कह रहे थे, रजोगुणी क्या कह रहे होंगे, तमोगुणी, और हम लोग क्या, जैसे तेरी इच्छा मेरे प्रभु। देख लीजिएगा हमने मेहनत थोड़ी मारी है, हमारा उद्देश्य बदला हुआ है, जैसे तेरी इच्छा मेरे प्रभु, जैसे आपकी मर्जी, हमारी जबान से यही निकला जैसे आपकी मर्जी, जो तेरी इच्छा मेरे प्रभु। ये करने वाले तो वही है ना, बनाने वाले रजोगुणी पता नहीं क्या बकवास कर रहे होंगे, तमोगुणी और भी कई गंदमंद बोल रहे होंगे। तो असल दृष्टि क्या हुई, असल दृष्टि भगवान वाली, इससे क्या होगा, आपकी भक्ति और बढ़ेगी, एकाग्रता और बढ़ेगी, मन की निर्मलता और बढ़ेगी। अब रजोगुणी ने जो इस रूप में देखा है, हाँ उसका मोह और बढ़ेगा, उसका स्नेह और बढ़ेगा, और बार मुखता और बढ़ेगी, इसका परिणाम तीन प्रकार के दुख। संसार एक जैसा है, पर हम लोग इसको देखते कैसे हैं, अपनी बुद्धि अनुसार। तो बुद्धि तो तीन प्रकार की होगी, सतोगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी। तो पर असल बुद्धि क्या है, असल बुद्धि तो सतोगुणी है, जो इसकी असलियत बताए। रजोगुणी असलियत नहीं बताती, तमोगुणी तो बिल्कुल ही बेड़ा गर्क करती है, हर बात उल्टी, हर एक में फतूर, तमोगुण वही अकल कायबिल जरूर, या वो जाहिल तबाही में आए जरूर। तो दैनिक जीवन में गीता हमें असलियत बता देती है, रुको देवी रुको, रुको मेरे मेरे सजनों, मेरे धार्मिक भाइयों, गीता इन डेली लाइफ हमें ये बता दी, ये बात पकड़ लो, पकड़ लो भगवान से, पकड़ लो अपनी गीता से, पकड़ लो गीता को, अंधाधुंध पढ़ने कोई ठोस मतलब नहीं, शास्त्रों को जो आपने रिवाज बना रखा अखंड पाठ, इससे कोई अर्थ नहीं निकल रहा, पित मरो तो अखंड पाठ हजार बार करवा लो कोई फायदा नहीं, अखंड पाठ से कोई लाभ नहीं, जबकि टुकड़े करके समझ के मन में रखा जाए। है वाणी तो आए तपस्वियों की, और हम मूर्ख उसको अखंड की जा रही है, लगातार पढ़ी जा रही, इसे क्या होगा अगर समझ के अंतर्गण में ना बिठा लिया। वाणी पढ़ी जाती है अपना सुधार करने के लिए, ना कि इन पन्नों को फटाफट दो घंटे में मैंने सारी गीता पढ़ छोड़, इसे क्या होगा, इसे कोई लाभ नहीं। लाभ है मैं अपने रिफॉर्मेशन करूं, अपने को बदलूं, अपनों को दृष्टि बदल दूं, तब इंसान को लाभ है मेरी बेटी। इस गलती को रियलाइज कीजिए कि हमने तो वाणी का मतलब है विचार, विचार का मतलब है ज्ञान है, तो वो ज्ञान मैंने ले लिया क्या, नहीं, इससे लाभ क्या हुआ, तो दृष्टि बदलिए। ये संसार क्या है, ये संसार नाम और रूपों का नाम है, नेम प्लस फॉर्म, नियम प्लस फॉर्म में इतनी तब्दीली क्यों आती है, ये भगवान का अटल नियम है। तो तब्दीली आके फिर क्या होता है, फिर देखिए भगवान क्या करेंगे, इसमें तब्दीली आएगी, फिर तब्दीली आएगी, फिर तब्दीली, फिर क्या होगा, जो इसका आज था वो इसका अंत होगा, ये भगवान कह रहे, इसमें तब्दीली आती जाएगी, किसी में तब्दीली आती जाएगी, इसका आज अंत वही मिल रहा जो इसका आज था, या जो इसका अंत था वही आज आ जाना। आप इस चीजों के पीछे घूमते जाओ, आखिर में भगवान नजर आएंगे। देखिए वृक्ष का अंत क्या होगा, बीज, तो बीज को क्या पता है कि मैंने नीम बनना है, कभी सोचो इस बात को, पर एक बीज निकला, इसे क्या पता है मैंने ये नीम बनना है, इसमें से कि मैंने इसके में से वो बनना है, इतना बड़ा जो वृक्ष फैल जाता है वट वृक्ष, एक बीज को क्या पता है, बीज को तो कुछ नहीं जानता कि मैंने वट बनना गए या मैंने ये बनना है आपका नीम बनना गए या मैंने अनार बनना है या मैंने संतरा बनना गए, बीज को क्या पता। अगर बीज के अंदर भगवान की सत्ता ना होती तो बीज उगता कैसे, वाह बेटी बीज कैसे उगता, बीज जड़ नहीं, बीज में भगवान की सत्ता है, बीज में भगवान की शक्ति है, आए खाए आए खाए आए खाए, वही अंदर गाइडेंस दिए जा रहा है बीज को, और बीज में फैलाओ, जैसे हमारे अंदर भगवान की सत्ता है
जिससे बुद्धि बुद्धि अपना काम कर रही है, मन अपना काम कर रहा है, तन का एक एक अंग अपना काम कर रहा है। अब ये होगी असली बुद्धि, असली नजर, और वृक्ष को वृक्ष रूप में देखना ये धक्के खाने का, क्योंकि इस रूप में ये रहेगा ही नहीं। जब पतझड़ आएगी आपको एक हरा पत्ता नजर नहीं आएगा, सब इसकी टहनियां टहनियां नजर आएगी। फिर भी नहीं कोई समझता इसकी असलियत क्या है। तो जो तत्व दृष्टि होती है, हाँ वो असलियत बता देती है। असलियत क्या है? कोई भगवान की। फिर हमारी दृष्टि क्या में रहेगी? एक में ठीक रहेगी, एक में लगी रहेगी। इसको पकड़ना, इस बात को दैनिक में, दैनिक जीवन में हम व्यवहार करेंगे, लेकिन एक को लेकर व्यवहार में हमारी दृष्टि मां बाप बहन भाई पर नहीं रहेगी, है पति पत्नी पर नहीं रहेगी, तो जो सत्ता इनको चला रही है उसकी ओर व्यवहार इनके साथ करेंगे, आदर देंगे, मान देंगे, इनके कर्तव्य पूरे करेंगे, हाँ लेकिन इनके शरीरों पर दृष्टि नहीं रहेगी। जो इन शरीरों का बीज है परमात्मा, उस पर हमारी दृष्टि। कितनी मौज जिसने बुद्धि में एक निर्णय भक्ति का ले लिया है। अगर हमने बुद्धि में निर्णय क्या कामनाओं वासनाओं का ले लिया, मरो फिर कई जन्म, फिर वो बदलती रहेंगी, संसार बदलता रहेगा, और एक बीमारी लग जाएगी जिसका कोई इलाज नहीं, राग और द्वेष, ये गंदी बीमारी लग जाएगी। अगर हमने भक्ति नहीं बनाते बुद्धि में, तो कईयों के साथ राग, कईयों द्वेष, कईयों में अट्रैक्शन, कईयों में रिपल्शन, और इसका रिएक्शन हलचल, बेचैनी, बेकरारी, जिसको आप टेंशन कहती है, मुझे बड़ी टेंशन है, टेंशन तो होनी हुई बड़े, जहां पर आपने मिर्चों वाली सब्जी खाई है तो आप कल मुंह भी लूसेगा, कंठ भी लूसेगा, छाती में भी आग लगेगी, बार बार पानी पीना पड़ेगा, इतनी मिर्ची आपने डाली है, हाय कर रहा है, उसका रिएक्शन तो होना है ना जी। तो जब हमने दृष्टि में रखा ही राग द्वेष है, रूप है तो राग द्वेष तो होगा, इसका रिएक्शन हलचल बेचैनी, और जिसने उसे एक परमात्मा जिससे सब कुछ हुआ है, जो सारों को पाल रहा है, उसको रखा ठंडक शांत। कितनी जरूरत है अपनी बुद्धि में भगवान को रखने, असलियत को, मैं भगवान का बार बार कह रहा हूं, असलियत को रखने। असलियत क्या है? इसकी असलियत क्या है? शख्स जेवर पहनो, आप तो दिल करता करो, ये तो ना बोलो ये सोना है, आप तो मुंदरी में इतनी गुम हो जाती, मेरे पति देव ने दिए है, इसमें 3,500 रुपया लगा है, जब मैं पहनती हूँ मुझे बड़ी अच्छी लगती है, बार बार दिल करता है उंगलियां यूं करके यूं यूं दिखाती रहूं सारों को, और मुझसे पूछे और मैं उन्होंने बना दिया, मैं चर्चा करूं, मेरे रस आए, शाबाश, ये कांटी बनाए बड़े अच्छे लगे हैं मुझे, 7,000 रुपया लगा है, सोना फूली गई, सुंदरता पतिदेव ने बना के, सुंदरता पतिदेव ने बना के दिया, और दिल में क्या मेरे से लोग पूछे, बार बार ये पूछे, वो पूछे, ये पूछे, या मर गए असल बात भूल गए। यही आप किसकी बेटी हो, आज आप क्या काम करती हो, कितना कमाती हो, आपका मकान कैसा है, आपकी बहन भाई कैसी है, ये हमें इन्हीं का शौक है। हमारे लोग ये नहीं पूछे, ये नहीं कहते तेरा शरीर चला कौन रहा है, मरने के बाद क्या चीज निकल जाती है, कि शरीर की कदर को नहीं रहती, साड़ दिया जाता है, ये बात तो कोई पूछेगा ही नहीं। सुनाओ बड़े चीन कितने पढ़ गए थे आप, अच्छा फिर मैं फलानी सुप्रिंटेंट बना हुआ हूँ डीसी साहब के ऑफिस में, अच्छा बड़ी तनख्वाह मिलती होगी, हाँ मुझे बहुत तनख्वाह है, अभी मेरी प्रमोशन हो गई है, अच्छा अब मुझे उन्होंने बंगला भी दे दिया है, अच्छा कार भी दी है, इन्हीं बातों में सारी जिंदगी गई, ये दिया वो दिया वो किया, असलियत कोई बचा दी, जेवर पहना बुरा नहीं पर सोना भूल गए, यही महापुरुष कहती है, अरे दुनिया में रहना पाप नहीं था पर असलियत ही भूल गए, मैं फला अमीर का लड़का, मेरा नाम ये, मैं इतना पढ़ा हुआ, मेरी इतनी इज्जत है, मेरे नौकर चाकर बहुत है, फिटे लाना, The reality is gone. किसके अंदर? इन नॉन रियलिटी के अंदर। तो जिसने बुद्धि में भक्ति रख लिया आप जैसी की तरह, वो असलियत को भूल नहीं सकता, जैसे आज दिन कटा है, अच्छा प्रभु बहुत अच्छा, हम तेरे पता नहीं कितनी बार बोल चुका, अच्छा प्रभु जो कर रहे हो ठीक कर रहे हो, और कोई ख्याल नहीं, विचार नहीं, राग नहीं, द्वेष नहीं, संकल्प विकल्प नहीं, विक्षेपता नहीं, वाह अति गर्मी पड़ती तो भी जो प्रभु आपके इच्छा, कोई शिकवा नहीं, गिला नहीं, हाय मर गए है जान ले रहे हो प्रभु, जान लेनी है हमारी, ये कोई शिकवा नहीं, कोई कपड़े नहीं फाड़े, कोई यू यू नहीं किया, कोई ये नहीं, जैसे आपकी इच्छा, मन कितना ठंडा रहा, ऑलवेज यू फील बैलेंस्ड, और दूसरे व्यक्ति बस पता नहीं क्या क्या बक बक कर जाती,
कितना अंतर है इस दृष्टि में। तत्व दृष्टि बोलते हैं, तत्व दृष्टि असलियत की पहचान कराने वाली दृष्टि। अब आपके सामने जितना मर्जी जीव जंतु आते रहे, ये सब भगवान ही कहते हैं, उन्हीं का पसारा है। बार बार भगवान का ये फरमान आपके सामने रहेगा, वही साथ जिससे खुदाई जो सारे जहां पे अच्छाई। दिन ब दिन आपका मन अंतर्मुखी और दिन ब दिन बार मुखी होते जाएंगे और राग द्वेष में मरते जाएंगे, उनका मन बेचैन रहेगा, बेकरार रहेगा। ओए होए, ओए होए, ओए भगवती, उनके मन में शांति नहीं आ सकती। आप आने से यहां से पहले रजोगुणी थी, वो आप अपने आप को देखो, और अब आप सत्वगुणी है, ये देखो बाबा, बड़ा भारी अंतर है वो और ये। तब और अब, मेरे पास दो शब्द है, तब और अब, बड़ा अंतर तब में और अब में। हर एक अपने गुजरी जिंदगी पर नजर दौड़ा ले, कितना अंतर, आकाश पताल का अंतर। तब क्या थे, अब क्या है। भगवान थोड़े देर आपका शरीर और रखे और सुनने का मौका दे, रब जाने क्या से क्या बन जाएगा, और अंतर्मुखी हो जाएगी, और आप बीच में अपने आप में चली जाओगी। कितना जरूरत है सिर्फ दृष्टि बदलने की। दृष्टि में दैनिक जीवन में भगवान यही कहती है, असलियत की पहचान कर, बस ये असल चीज क्या है। ये संसार में नाना प्रकार की वैरायटी है बेटे, भिन्नता है, इख्तलाफ है, तो फिर असल क्या है। कोई चीज एक जैसी नहीं रहती, जरा दो शब्द लो मेरे से, एक जैसी नहीं रहती, सदा नहीं रहती, पकड़ लो ना, ये नहीं भूलना। संसार के जितनी चीजें नजर आती हैं, एक जैसी नहीं रहती, ध्यान देना, आगे क्या बोलूं, सदा नहीं रहती। हाय हाय, ओ बेटे मेरे से ले लो, मेरी छाती से लो, मेरे मन से लो, मेरे अंतःकरण से लो, मेरी बुद्धि से लो, मेरे तजर्बे से लो, मेरी गीता से लो, मेरे भगवान कृष्ण के चरणों से लो, है एक जैसी नहीं रहती संसार की चीजें, और सदा नहीं रहती। शानदार इंकलाब आ जाएगा अगर ये भाव अपने मन में बिठा लो। फिर मैं बोली जा रहा हूं, संसार की चीजें एक जैसी नहीं रहती, परिवर्तन 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 परिवर्तन, मान गए, फिर सदा नहीं रहती। हाय, अब क्या करें, तो फिर सदा चीज कौन सी रहती है। भगवान जी जिसकी ओवर सीइंग में ये सब कुछ हो रहा, भगवान ही इसकी ओवर सीयर है मेरे बच्चे। जैसे ओवर सीयर वर्करों से काम लेता है, आप अपने दोनों हाथ या पेंटों में दोनों हाथ डाल के देख रहा है, अरे करना, अरे करो, जी हाँ, उसे ओवर सीयर बंगीसी बोलते हैं। निरीक्षक अपनी भाषा में शब्द है, निरीक्षक, निरीक्षक अपने निरीक्षण में ये सारा कार्य ले रहा है। निरीक्षक अपने निरीक्षण में अंडर हिज सुपरविजन सुपरवाइजर सारे काम ले रहा है। गॉड इज द वेरी गुड एंड बेस्ट सुपरवाइजर। तो फिर शायद असलियत किसकी हुई सुपरवाइजर की, और अंग्रेजी शब्द बोलू ऑर्गेनाइजर की। ऑर्गेनाइज जो कर रहा है, सुपरवाइज कर रहा है, दैट इज द ओनली ट्रुथ। भगवान करे मेरी तरह आपका मन भी जम जाए इसी बात में, सिर्फ इसी बात में जम जाए। बेटी बहुत पढ़ी लिखी है, सियानी बन, थोड़ी सी सियानी बनो, नारी का चोला होगा तो फिर क्या होगा। एक जैसी नहीं रहती संसार के प्राणी पदार्थ, और सदा नहीं रहते, फिर अंदर हलचल मचती है। फिर कौन सदा रहती है, जो इनको चला रहा है, जिसने इनको बनाया है, जो इनको चला रहा है, जिसने इनको बनाया है, जो इनको चला रहा है, और अपना काम करके जो चीजें जिसमें जा रही है वो सदा रहता है। जिसने बनाया है, जो इनको चला रहा है, और अपना काम करके जहां ये लौट के जा रही है, कहां, भगवान में। But that is the only truth। अगर ये बात आ गई बुद्धि में, भक्ति बैठ गई, अब नहीं निकाले भी नहीं निकलेगी। अगर ये बात आपने समझ ली है, किसी में इतनी हिम्मत भी नहीं कि आपके बुद्धि के इस पावन इरादे को बदल सके, क्योंकि ये तो है ही ट्रुथ। ये चीजें सदा नहीं रहती ना, ये चीजें में हमेशा परिवर्तन हो रहा है, एक जैसी नहीं रहती, सदा नहीं, बस गया। अब अंतर बार आप कर्तव्य कर्म तो करेंगे, लेकिन मन उलझेगा ही नहीं, मन तो लगेगा उसी में जो सदा रहता है, जो इंसानों को चला रहा है। अब मन उधर लगेगा,
इसको कहती है भगवान जी के दैनिक जीवन में गीता क्या तन काम में ही मन रही। यह है हमारे भगवान का फरमान। दैनिक जीवन में गीता कितने काम आई, लेकिन पहले क्या इरादा आपने बदला, अपना इरादे में आपने भगवान रखा। तो जो अनेक इरादे में इतना पढ़ूंगा मैं, इतना कमाऊंगा मैं, जहां चाहती हूं वहां शादी करूंगी, कर ले, बड़े बड़ी बातें हो जाएगी। इससे क्या शांति में जाएगी, आराम में जाएगी, उल्टा मन विक्षेपता में हो जाएगा। जितना ज्यादा पढ़ेंगे विक्षेपता में, अच्छा, जितना ज्यादा कमाएंगे अहंकार बढ़ेगा, अच्छा, जहां चाहते हैं वहां शादी होगी तो उसके साथ बुरी तरह अटैच हो जाएंगे, बुरी तरह फंस जाएंगे, वो मेरे में फंस जाएगी, मैं उसमें फंस जाऊंगा, क्योंकि अपनी स्वीट मिल से हमने शादी की है। तो एक दूसरे के साथ जैसे किसी कागज पर गोंद लगा के दीवार पर चिपकाते हैं, इस तरह एक दूसरे के साथ हम चिपक जाएंगे, जस्ट लाइक गोंद, जस्ट लाइक गम, जैसे गम से जो दो कागज चिपक जाते हैं, इसमें क्या बड़ी बात होगी, उल्टा हम अपने लिए दुखों के सवाब पैदा कर रहे हैं। अपनी संसार संबंधी कामना पूरी करना अपने गले खोदना है। हार्दिक धन्यवाद, हार्दिक अशी। अब अपने शहनशाह की आज आरती बड़े प्रेम और श्रद्धा से उतारे।
भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरोगिनः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग्यवशात् हरि ओम शांति 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 ओम प्रभो इसलिए भगवान कृष्ण की गुरु भगवान कृष्ण महाराज की सफल करना इसलिए हार्दिक धन्यवाद।